फ्रेंड्स, आज हम करेंगे फर्स्ट स्टैंडर्ड में इंग्लिश ग्रामर में लेसन नंबर 19। तो आइए देखते हैं लेसन नंबर 19। लेसन नंबर 19 हैज और हैव। वी यूज हैज हैव टू टॉक अबाउट फैमिली, फ्रेंड्स एंड पोजिशंस। हम लोग हैव हैज का यूज फैमिली, फ्रेंड्स के बारे में बातें करने के लिए करते हैं। वी ऑल्सो यूज दिस वर्ड्स टू टॉक अबाउट फिजिकल अपियरेंस। हम इसका इस फिजिकल अपियरेंस के लिए भी करते हैं। आई के साथ हैव का यूज होता है, यू के साथ भी हैव का यूज, ही शी इट के साथ हैज का यूज, वी के साथ हैव का यूज करते हैं, यू के साथ हैव का और दे के साथ भी हैव का यूज करते हैं। वी हैज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट बिलोंग टू वन पर्सन एंड हैव फॉर थिंग्स दैट बिलोंग टू वन मोर पर्सन। यानी कि हैज का यूज एक के लिए बात करते तभी होता है और हैव का यूज एक से ज्यादा लोगों या फिर थिंग्स के लिए होता है। ए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ हैज और हैव। I have a good friend. His name is Paul. Ben has a new cricket bat. Monkeys यानी कि एक से ज़्यादा, तो monkeys have long tails. My parents have a blue car. The girl has new shoes. Julia has two brothers and one sister. They have a big garden. B, rewrite this sentence using got. हमें sentence को using got के साथ करना है। तो ऊपर हमें कहा है I have को short form में I have got लिखेंगे, she has को she has got में लिखेंगे, they have को they have got में लिखेंगे। One, he has one brother and two sister. He has got one brother and two sister. Second, I have got a new watch. Third, she has got a computer. Fourth, they have got a dog and two cats. C, select the correct answer from the brackets. One, the children blank singing a song yesterday. तो एक से ज्यादा है तो where. We blank a new pet rabbit. तो have. My father blank a pilot. Is. एक की ही बात थोड़ी इसलिए. Harry had three brothers. I am a clever girl. Roses यानी कि एक से ज्यादा, तो roses are pretty flowers. Mary was late for the party. Student, हमारा लेसन यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।